वेलकम इन्वेस्टर्स अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में सबसे बड़ी जो खबर है वो विप्रो का जो बायबैक ऑफर अनाउंस हो चुका है उसके बारे में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये विप्रो का ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट में अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टर्स जोन्स में अगर जाते हैं तो वहां हमें मिलता है इन्वेस्टर्स में अगर हम आते हैं तो वहां हमें मिलता है बायबैक का एक टैब। और उस टैब पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस साइट का ये जो पेज आप देख पा रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और इसे जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर बायबैक ऑफर के बारे में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो विप्रो की तरफ से दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ हम जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए विप्रो लेटर ऑफ ऑफर फॉर बायबैक, ये आज का डेट है 24 दिसंबर 2020 और आज की डेट में ये बायबैक का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। और इस लेटर ऑफर लेटर में हम देखेंगे कि क्या रिकॉर्ड डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या चीजें हैं उनको हम शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो लेटर है उसको अगर हम देखेंगे तो 72 पेज का लेटर है तो इतना ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी जो इंफॉर्मेशन है हम इस लेटर की यहाँ पर ले। लेकिन इस लेटर का डाउनलोड लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है हम चलेंगे और जो मेन पॉइंट्स है उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपके पोर्टफोलियो में अगर विप्रो के स्टॉक है तो आप एलिजिबल हो, एलिजिबल शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। रिकॉर्ड डेट था फ्राइडे दिसंबर 11 2020 का। तो जिनके भी पोर्टफोलियो में विप्रो के स्टॉक थे फ्राइडे तक यानी दिसंबर 11 फ्राइडे तक, तो वो सभी स्टॉक होल्डर्स एलिजिबल हो चुके हैं। अगर एलिजिबल जो स्टॉक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको ये जो टेंडर है बायबैक ऑफर का, ये अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और वहां पे वो मैन्युअली भी वहां अप्लाई कर सकते हैं। अब टेंडर पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से आईपीओ का जो एक बिड होता है उसी तरह से जब कोई भी कंपनी ऑफर प्राइस डिक्लेयर करता है स्टॉक का तो वहां पे भी हमें एक बिड के तहत ही अप्लाई करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 100 शेयर है विप्रो के आपके पोर्टफोलियो में तो कंपनी आपसे पूरे के पूरे 100 शेयर भी ले सकती है या उसमें से 10 शेयर भी ले सकती है या एक भी ले सकती है, डिपेंड ऑन वो बिड के ऊपर और वो लॉट के ऊपर डिपेंड होता है। आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं बायबैक के लिए। तो यहां पर हम देखेंगे जो मेन मेन पॉइंट है उनको ही हम फोकस करेंगे। कंफर्मेशन बाय स्टॉक ब्रोकर, तो यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि जो आपका स्टॉक ब्रोकर है वो एनएससी बीएससी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी आप यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर टीआरएस टू रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट टू द रजिस्टर बायबैक बिफोर 5 PM वेडनेसडे 13 जनवरी 2021 का लास्ट डेट इन्होंने दिया हुआ है। ये फिजिकल फॉर्म के लिए है, ऑनलाइन के लिए नहीं है। तो हम चलेंगे इसको स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया विप्रो ने यहाँ पे बायबैक प्राइस जो है 400 पर इक्विटी शेयर यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसे हम अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने पूरे सेशंस भी दिए हुए, जैसे कि मैंने कहा कि ये 72 पेज का नोटिफिकेशन यहाँ पर आज की डेट में कंपनी ने रिलीज किया हुआ है। अब चलते हैं हम इसको स्क्रॉल करके शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज। तो जो डेट बोर्ड ऑफ मीटिंग का था जहां पर अप्रूव हुआ वो अक्टूबर 13 का था, थर्सडे को ये इक्विटी शेयर का बायबैक का जो इन्होंने प्रपोजल रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सामने वो अप्रूव हुआ। और डेट ऑफ डिक्लेरेशन की अगर हम बात करेंगे उस रिजल्ट तो नवंबर 17 को ये पब्लिक के लिए अनाउंस कर दिया गया थर्सडे को। और डेट ऑफ पब्लिकेशन व पब्लिक अनाउंसमेंट बायबैक का ये जो अनाउंसमेंट है ये नवंबर 19 को किया था 2020 में। रिकॉर्ड डेट दिसंबर 11 डिसाइड किया हुआ था और दिसंबर 11 के पहले या दिसंबर 11 तक 2020 जिनके भी पोर्टफोलियो में विप्रो के स्टॉक थे
वो सब स्टॉक होल्डर्स एलिजिबल्स है बायबैक के लिए अप्लाई करने के लिए। तो बायबैक ओपनिंग डेट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, December 29, 2020 थर्सडे को बायबैक के लिए ओपन हो जाएगा पोर्टल का लिंक, और ये जो लिंक है वो स्टिल ओपन रहेगा। बायबैक क्लोजिंग डेट है January 11, 2021। तो जैसे कि आप देख पा रहे 29 को ओपनिंग होगा और January 11 तक ये क्लोज हो जाएगा। अगर आपके पास विप्रो के स्टॉक है तो आप इसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल शेयर्स अगर किन्हीं के शेयर ऑफ सर्टिफिकेट अगर किन के पास है तो वो January 13, 5 PM तक वेडनेसडे, ये यहाँ पर एक्सटेंडेड डेट दिया हुआ है जिनके लिए पास जो पहले फिजिकली स्टॉक हुआ करते थे, फिजिकली स्टॉक का एक डॉक्यूमेंट्स रहता था उनके लिए ये प्रोसीजर है। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिकली उनके पास है नहीं। लास्ट डेट वेरिफिकेशन रजिस्टर बायबैक का January 19 दिया हुआ है, और उसके बाद जो है एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस का जो है वो भी डेट 19 जनवरी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो सेटलमेंट बीड होगा स्टॉक एक्सचेंज के तहत वो January 20 है, और जहां पर हम देख पा रहे हैं कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट कंसिडरेशन टू इलिजिबल शेयर होल्डर January 20 को ही आपको पता चल जाएगा कि आप इलिजिबल है या नहीं, सॉरी आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेड की जो टर्म्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी है वो सब यहाँ पर डिटेल्स में इन्होंने दिया हुआ है। इस पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।